गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द सन पब्लिक स्कूल डक ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल वी स्टडी अबाउट सोशल स्टडीज बुक आई एम अशोक शर्मा, वेलकम फॉर यू। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। अभी तक के पार्ट में हमने कॉलोनाइजेशंस, पीरियडाइजेशंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में चर्चा करी थी, किस तरह से अंग्रेज आए, किस तरह से उनका काल निर्धारण, उन्होंने हमारे यहाँ पर बस्तियाँ बसाई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पार्ट में ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 5 पॉइंट है हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश रूल चेंज ए लॉट इन इंडिया। ब्रिटिश रूल चेंज ए लॉट इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बोथ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन, क्राउन का मतलब यहाँ होता है ताज, महारानी, एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज यूज हेरेड इन बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया और डायरेक्टली वो यहाँ पर शासन करने लगी। उसके बाद यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, तकनीकी विवरण आदि का समावेश हुआ। इसके बाद हैड टू इफेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरवीनिंग द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। इन फैक्ट मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस, यहाँ पर कई प्रकार के परिवर्तन, कई प्रकार के चेंज होना प्रारंभ हुए। इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स यातायात। कई प्रकार से यहाँ पर यातायात एंड कम्युनिकेशंस दैट आर टाइपली एसोसिएट विद द क्राउन रूल ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी बेगन बिफोर द म्यूटिनी। ऑल द चेंज वर सिक्योर्ड इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड्स वर रिटन बाई ब्रिटिश। ये सारे जो चेंज थे ये रिकॉर्ड करके अंग्रेज लिखने लगे। ऑफिशियलिज टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर वर्क एंड चेंज डन इन इंडिया द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सारी बातों की आवश्यकताओं को देखते हुए इसको लिखना प्रारंभ किया। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, मुख्य रूप से जो इंस्टीट्यूशन थे लाइक्स आर्चिव्स एंड द म्यूजियम वर इस्टेब्लिश टू प्रजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने म्यूजियम्स को मेन समझा और उसमें रखने लगे। सेवरल अदर सोर्सेस स्टडीड टुगेदर टू गेव ए बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन की रूपरेखा उन्होंने तैयार की। इसके बाद आता है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट, ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ द एवरीथिंग दे डिड। वह हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहते थे। दिस रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स। जिस कमरे में इन चीज़ों को रखते थे वो उसे रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड रूम कहा जाता था। द रिकॉर्ड वर क्रिएटेड विद द
goals to preserve the original order to the records as much possible and the clarify the administrative history of the record. से इससे इतिहास का निर्धारण होता है. Each series of record was assigned a letter from A to Z and the certain series also have descriptive subclasses. Official record letters, memos, surveys, newspaper, magazines, autobiographies, report, experience of travels का जो experience होता है अनुभव, novels and the poems are some important source of the information of British rule and atrocity. क्वेश्चन आता है कि उस समय की सूचना की क्या क्या चीज़ें, तो उस समय की मैगजीन, बायोग्राफी, सर्वे, रिपोर्ट, यात्राएं, ये सब उस समय की महत्वपूर्ण सोर्स माने जाते हैं. द ब्रिटिश बिल्ट स्पेलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इज म्यूजियम एंड आर्चिव्स टू प्रजर्व इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स. हिस्टोरियंस गैदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम द रिपोर्ट्स मेम्स नोटिक्स इन द लेटर प्रिजर्व्ड इन 19th सेंचुरी इन द आर्चिव ऑफ द रिकॉर्ड रूम्स अक्रॉस इंडिया फॉर इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश carried out a number of the surveys the 19th century. By the end of 19th century, census, उस समय की जो गणना थी, भारत में भी कई प्रकार के उन्होंने हॉल तैयार किए. All the Indian provinces, सभी देशी रियासतों में, were begun carried out of the every 10 years, वह 10 सालों में यहाँ पर गणना करने लगे थे. This helped to collect information on the religion, यहाँ पर वो religion, caste, information about modern India. The practice of the surveying become common under colonial administration. Survey like botanical, geological, zoological, archaeological and the anthropological and forest survey were in the list of the British administration. वो सारे विभागों की गणना करना शुरू कर दिया. सोर्स केप्ट इन द रिटन बाई बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टडी टूगेदर रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर इफोर्ट्स ऑफ द मॉडर्नाइज टू सबजट इंडियन पॉपुलेशन. और इससे इंडियन पॉपुलेशन की वो सारी जानकारी रखने लगी. आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को पढ़ें. सो थैंक्स.